Yes, students, yesterday I have discussed with you total control, how Hitler or Nazi established control on Germany. And today we'll continue with the same topic. And in this, I have discussed with you that how Hitler destructed democracy and established dictatorship by Fire Decree Enabling Act. And after that, I have discussed security forces, how he established racial state, then how he controlled education and schooling system. Now, next, how he controlled motherhood, Nazi cult of motherhood. यानी कि मदर्स के बारे में उसका क्या सोचना था? According to his ideology, mothers are the most important, you can say a kind of institution in the society. Mother can teach Nazi values. यानी कि जो मदर्स हैं वो अपने बॉयज या बच्चों को नाजी वैल्यूज सिखाएं. He expected mothers to be kind hearted and not given right to vote and right to work. Means at that time women, they were not given right to work, right to vote. So at that time maybe gender discrimination was there in their country, and not allowed to keep any kind of relations with the other communities like Jewish or any other communities, because he considered that the main duty or role of women is to purify their races. And for that he prepared code of conduct. Women, they had to follow this code of conduct, Nazi women. If they were not, agar wo nahi karti thi, then they were blackened their face, unke face ko black karke, shave their heads, and play cards jo hain unke jo hain wo aage un pe likha hota tha ki they have sullied the nation, honor of the nation. Unhone apne honor jo hai, nation ka jo honor hai, usko destroy kiya hai. And they were deported, they were separated from their family members, and those who followed code of conduct, जो करती थी उनको incentives दिए जाते थे. उनको जिसे हम कहते हैं कि जैसे railways या hospitals जो हैं उनके जो भी cost होती थी या जो भी उनके bills होते थे उसमें kind of incentives, kind of rebates मिलती थी, है ना. तो एक तरह से उस time period में honor cross, women के लिए honor cross भी था, क्योंकि उस time period में he wanted to increase the number of population of boys in the society. So the women having more boys were awarded. ठीक है, तो उस टाइम पीरियड में नाजी की थिंकिंग थी. और इस तरह से उसने मदर्स विमेन को कैसे कंट्रोल किया, दैट दे हैड टू फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट. ठीक है, इसके बाद यूज ऑफ मीडिया एंड प्रेस. प्रेस को उसने कैसे कंट्रोल किया, उससे बहुत सी इमेजेस बनाई, फिल्म्स बनाई. मॉक, मॉक का मतलब होता है मजाक उड़ाना, बाय मेकिंग कार्टून्स एंड कैरिकेचर्स. एंड ही वॉन्टेड टू शो ज्यूइश एज नेगेटिव पीपल इन द सोसाइटी. एंड वो खुद चाहता था कि जर्मनी के सभी लोग भी उससे हेट करें ज्यूइश से, इसलिए उसने अलग अलग थ्योरीज, चार्ल्स एंड डार्विन की थ्योरीज जो हैं कि उसकी रेस बेस्ट है, ज्यूइश की रेस वर्स्ट है. ठीक है, देन मूवीज, द अटर्नल ज्यूज मूवीज जो है उसने बनाई, उसमें उसने ज्यूइश जो है उनको विलन जो है वो डिक्लेयर किया. देन रेडियोज, पोस्टर्स, बड़े बड़े पोस्टर्स बनाए जाते थे, ज्यूइश की जो इमेजेस हैं उनका मजाक उड़ाया जाता था. सिटिंग ऑन मनी बैग, उनको पैसों के बैग के ऊपर दिखाया जाता था. वेयरिंग काफ्तान्स, बड़े बड़े काफ्तान्स पहनकर उनकी पॉइंटेड नोज जो है डिपिक्ट करके उनकी उनका मजाक करते थे. कंपेयर्ड विद रेस्ट एंड पेस्ट, उनको रैट्स की तरह कंपेयर करते थे, एनिमल्स की तरह कंपेयर करते थे. एंड टोटल कंट्रोल मीन्स किस तरह से उसने प्रेस और मीडिया, ये तो हमने ज्यूइश का बता दिया, साथ ही हमने ये भी बता दिया दैट सेंसरशिप. सेंसरशिप का मतलब क्या होता है, दैट नो पर्सन विल बी एबल टू अपोज द गवर्नमेंट. सेंसर, पीपल विल नॉट बी फ्री टू से एनीथिंग अगेंस्ट हिटलर. और अगर वो ऐसा करेंगे तो उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, टॉर्चर चैम्बर्स, ठीक है, उनमें भेजा जाता था, डिटेन कर दिया जाता था. तो इन दिस वे वी कैन से दैट हिटलर ही कंट्रोल प्रेस एंड मीडिया. ठीक है, टोटली हिटलर और नाजी पार्टी. ठीक है, इसके बाद फिर नाजी प्रोपोगेंडा कैसे उसने ज्यूइश जो हैं, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ज्यूइश के लिए जर्मन के लोगों के मन में उसने किस तरह से, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं साइड बाय साइड. ठीक है, देन यूथ के लिए उसने क्या किया, किस तरह से यूथ को कंट्रोल किया, कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन बनाई, दैट वी हैव डिस्कस विद यू. और इसमें आप क्या बता सकते हो, स्टेप्स टू डेथ. उसने लोगों को डिपोर्ट करके, पहले तो उनको डिपोर्ट करता था, सिटी से बाहर निकाल देना, कंट्री से बाहर निकाल देना. लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी,
ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भी उसने बहुत से स्टेप्स जो हैं, डेथ के स्टेप्स जो हैं, वो लोगों को मानने के लिए जो हैं वो स्टार्ट किए। सबसे पहले तो था उसका एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन का मतलब होता है एक्सक्लूड कर दे, एक्सक्लूड कर देना, सोसाइटी से बाहर निकाल देना। ये स्पेशली कौन से ईयर्स, 1933 से 1939 तक उसका ये स्टेप था, 33 to 39, स्पेशली 1933 से लेकर 39 तक उसने ऐसी कितनी ही कम्युनिटीज, ज्यूइश कम्युनिटीज को रिजर्व एरियाज रखे गए जर्मन्स के लिए, आर्यन के लिए, और बाकी एरियाज बना दिए गए इनके लिए, उनको सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिए। Jewish and other communities were excluded, बाहर निकाल दिया, and discriminated. और इनको कहाँ पे भेजा गया? Second ghettoization, next step जो है, ghettos. Ghettos क्या होते थे? Separate marked areas for these people, जहां पर इनको रखा जाता था। ये process कब तक, मतलब near about 1940, ठीक है, 1940 में उसने फिर इनके लिए अलग से घेटोज बना दिए, घेटोइजेशन, और इन बिटवीन 40 के बाद उसने उनको घेटोइजेशन, ठीक है। लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप जो है उसका एनिहिलेशन, ये 1941 के बाद स्टेप्स टू डेथ, यानी कि 1941 के बाद उसने डेथ फैक्ट्रीज, डेथ फैक्ट्रीज का मतलब जहाँ पे गैस चैम्बर्स होते थे, और मास किलिंग ऑपरेशंस, मास किलिंग ऑपरेशंस जो है उसने चलाए। और इसके लिए आप कुछ वर्ड्स, टर्म्स याद रख सकते हो, जैसे जेनोसाइड, मैंने आपको बता दिया जेनोसाइड क्या होता है, मास किलिंग ऑफ रेस, जब किसी पर्टिकुलर रेस को खत्म करना होता है उसको बोलते हैं मास किलिंग, ठीक है। Then second is killing centers. Killing centers के लिए उसने particular name बनाया, और उसका क्या नेम था, Auschwitz. ये क्या थे, killing centers. नाम killing नहीं लिखा, मैं आपको समझा रही हूँ क्या था killing center, but इसका name क्या था, Auschwitz. इन सेंटर्स के ऊपर ऑशविज लिखा होता था, जिसका मतलब है कि यहाँ पे ज्यूइश को मारने के लिए लेकर आते थे। देन यूथनीजिया, ये स्पेशली होता था डिसेबल क्यों मारने के लिए, जो डिसेबल्ड होते थे ना उनको मारने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, डिसेबल्ड को मारने के लिए यूथनीजिया, ठीक है। देन इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन का मतलब होता है गैस चैम्बर्स लेकर जाना, अगेन थ्री स्टेप्स टू डेथ, एक्सक्लूजन, घेटोइजेशन, एनिहिलेशन। एक्सक्लूजन का मतलब होता है सोसाइटी से एक्सक्लूड कर देना, बाहर निकाल देना, घेटोइजेशन का मतलब होता है घेटोज में भेज देना, एनिहिलेशन का मतलब होता है लास्ट, लास्ट मतलब एनिहिलेशन में जब लोगों को डेथ फैक्ट्रीज या गैस चैम्बर्स में मारने के लिए लेकर जाते थे, किलिंग ऑपरेशन। और इसके लिए कुछ उसने नए नए नेम दिए, ऑशविज, उन सेंटर्स के ऊपर ऑशविज लिखा होता था, ऑशविज का मतलब होता है किलिंग सेंटर, ठीक है। जेनोसाइड का मतलब होता है जब किसी रेस को लास्ट स्केल पे मारा जाता है, यूथनीजिया का मतलब होता है डिसेबल्ड को मारने के लिए जो प्रोग्राम, एंड इवैक्यूएट करना, किसी जगह को खाली कर देना, और कहाँ पर लेकर, इवैक्यूएट का मतलब होता है लोगों को कहाँ पे लेके जाना, गैस चैम्बर्स, ठीक है। और इस तरह से हिटलर ने नए नए वर्ड्स यूज करके अपनी पार्टी में, हिटलर ने ज्यूइश के अगेंस्ट जो है बहुत सी काइंड ऑफ, हम कह सकते हैं पॉलिसीज, नए नए वर्ड्स जो है बनाए, उसने कभी भी किल और मर्डर वर्ड यूज नहीं किए। नेक्स्ट, सबसे जो हम कहते हैं ड्रास्टिक टाइम आया, जिस टाइम पीरियड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बाहर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, लेकिन कंट्री के अंदर क्या हो रहा था, कंट्री के अंदर क्या हो रहा था, जितने भी ऑशविंस थे या किलिंग सेंटर्स थे,
जहां पर लोगों को रखा गया था, ठीक है। तो हिटलर को अब ये डर था कि कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सपोज अगर उसकी कंट्री विनर कंट्रीज के हाथ लग जाती है तो क्या होगा, इसलिए उसने क्या किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के टाइम पीरियड में जितने भी ऑशविट्स सेंटर्स थे या जितने भी ऐसे सेंटर जहां पे लोगों को रखा जाता था, ठीक है, उनको कई ऑशविट्स सेंटर्स तो उसने जो है वो लार्ज स्केल पे जला दिए, पेट्रोल डालकर उन एरियाज को जला दिया था। और बाद में आपको पता है बाद में जब उन्हीं एरियाज को विनर कंट्रीज ने जब जो विनर कंट्रीज उनकी एरियाज में गई तो वो जानकर बहुत हैरान हुए कि जर्मनी में हिटलर जो था वो अपनी ही कंट्री के लोगों के साथ क्या कर रहा था, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, होलोकास्ट। ये जो प्रोसेस है ना बेटा, ये स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब वर्ल्ड वॉर हो रही थी, बाहर वर्ल्ड वॉर लड़ी जा रही थी, कंट्री के अंदर क्या हो रहा था, होलोकास्ट। होलोकास्ट मीन्स नाजी किलिंग ऑपरेशंस, नाजी किलिंग ऑपरेशंस, यानी कि इसमें ऑशविट्स सेंटर्स या जितने भी ऐसे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे, हिटलर उनको डिस्ट्रॉय करना चाहता था, ताकि उसका ये मानना था कि सपोज कल को अगर जर्मनी हार भी जाती है, विनर कंट्रीज के हाथ लग जाती है, ये लोग बचने नहीं चाहिए। तो और इसीलिए उसने क्या करना शुरू कर दिया, लोगों को लार्ज स्केल पे मारना शुरू कर दिया, होलोकास्ट कहते हैं, ठीक है। और 1945 के बाद बहुत से ऐसे लोग थे, ठीक है, जिनकी फैमिलीज जो हैं वो टोटली उनकी फैमिलीज खत्म हो गई, कुछ लोग बचे और उन लोगों ने बाद में अपने जो भी स्टोरीज थी वो लोगों को सुनाई, और बहुत सी बुक्स जो हैं उस टाइम के बारे में लिखी गई हैं। और आपको ये भी पता है कि जिस टाइम पीरियड में ये लोग उन घेटोज में रहते थे ना, तो ये चाहते थे कि पूरा वर्ल्ड इनके बारे में जाने कि इनके साथ क्या हो रहा है। और इनमें से कई लोगों ने पता क्या किया, जहाँ पे वो रहते थे ना उन एरियाज में उन्होंने क्या किया, मिल्क कैंस के अंदर कुछ डायरीज मिली हैं बाद में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन एरियाज को खाली करवाया गया, कुछ ऐसे मिल्क कैंस मिले हैं, उन कैंस में कुछ डायरीज, कुछ लेटर्स लिखी गई हैं उस टाइम की, जिस टाइम पीरियड में लोग अपने साथ क्या होता था वो सारा लिखते थे। और बाद में ये मिल्क कैंस, इवन आप यू कैन सी दिस काइंड ऑफ पिक्चर्स इन योर बुक आल्सो, मिल्क कैन, ऐसे मिल्क कैंस मिले हैं जिन मिल्क कैंस में कुछ लेटर्स, कुछ डायरीज मिली हैं उस टाइम की, जिस टाइम पीरियड के लोगों ने अपने जो भी उनके साथ हुआ वो लिखा, क्योंकि वो अपने बारे में लोगों को बताना चाहते थे, ठीक है। और ऐसी ही एक बुक है शॉर्लट बनाट ने एक बुक लिखी है थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स, जिसमें उसने जूश के बारे में लिखा है कि कितना वर्स्ट जो है उन्होंने फेस किया था। तो मतलब बहुत सी ऐसी बुक्स हैं जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बताती है, क्राइम, ये क्राइम था अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यानी कि हिटलर से बड़ा डिक्टेटर या हिटलर से बड़ा तानाशाह जो है वो अभी तक किसी ने नहीं देखा होगा, कि जो उसने अपनी कंट्री के साथ किया, स्टार्टिंग में याद करो कैसे उसने प्रॉमिसेस किए और एंड में किस तरह से उसने किलिंग ऑपरेशन चलाकर अपनी ही कंट्री के लोगों को कैसे जो है वो मारा, ठीक है। तो ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी माना जाता है, होलोकास्ट। तो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, नाउ आई विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स। नो डाउट आई हैव डिस्कस ऑल द क्वेश्चन, बट वन बाय वन please be sure that we have discussed all, hai na? Number one, problems faced by Weimar Republic, it's very easy, you can write problems faced by Weimar Republic, yes, Dipali, keep your mic on, just tell me that you can do this, in short, first of all tell me headings and you have to explain, yes beta, because this chapter you have, yes to, ma'am, you can write, hai na? So I have discussed in detail. Next is, why Nazism became popular in Germany by 1930, that is the popularity of Hitler, that is about popularity of Hitler. Hanji, that is about popularity of Hitler. Discuss why Nazism became popular, how Hitler, Nazism means Hitler, Hitler means Nazism. Yes, Jia and Janvi, keep your mic on. Yes, yes, yes beta, this question is clear to you. Keep your mic on. Why Hitler, how Hitler became popular?
why Hitler became popular, yes, how Hitler came into power. Haan ji. Na political instability. Yes, very good. Because instability was there, weak condition of Weimar Republic. Very good. Haan ji. And harsh treaty. Harsh treaty, Treaty of Versailles. Very good. Haan ji. Economic crisis and depression. Economic crisis and depression. 1923, 1929. Very good. Haan ji. Political career of Hitler. Very good. Birth and political career. 1880 time में उसका birth हुआ. उसके बाद he joined German party when he was defeated in the First World War. Then he renamed the party and his party was Nazi party. Slowly and gradually. फिर अपने election की date बतानी है. That he got 37% votes in 1932. That was the maximum at that time. And this way, dynamic personality, उसके speeches, उसके rituals, clapping style, उसका banner, swastik symbol, and people they considered himself as savior of the society. Massive rallies, speeches, promises. So people they were fascinated. They were very, you can say, they were expecting a lot from Hitler. वो कितना expect कर रहे थे और Hitler ने उनके साथ क्या किया? तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी कंट्री में चाहे वो डेमोक्रेट्स हैं चाहे डिक्टेटर हैं किसी भी तरह की गवर्नमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूटी में जो है वो नहीं होनी चाहिए. गवर्नमेंट शुड बी चेंज सो दैट रूलर शुड बी आंसरेबल. क्योंकि उनको पता है कि हम 5 years के एक बाद चेंज हो जाएंगे तो देन दे कैन दे विल इम्प्लीमेंट गुड. हिटलर को पता था कि वही डिक्टेटर है तो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता. तो दैट्स व्हाई उसने अपनी कंट्री को अपने तरीके से रूल किया है ना. हाँ जी. नेक्स्ट इज व्हाट आर द पिक्यूलियर फीचर्स ऑफ नाजी आइडियोलॉजी. नाजी आइडियोलॉजी दैट आई हैव डिस्कस नाजी आइडियोलॉजी. इसमें हमने बताना है कि नाजी थिंकिंग क्या थी, पार्टी की थिंकिंग क्या थी, हिटलर अपनी पार्टी के बारे में या कंट्री के बारे में क्या सोचता था. वो सारे हमने हेडिंग्स बताने हैं शॉर्ट में नाजी आइडियोलॉजी. ठीक है. हाँ जी गौरव. यस बेटा. हाँ जी जस्ट टेल मी द हेडिंग्स वी हैव डन. यस गौरव. ओके जिया. यस बेटा. यस जिया. नाजी थिंकिंग या नाजी आइडियोलॉजी. हाँ जी बेटा. रेशियल पॉलिसी और हायरार्की. Very good. Racial policy. Scientific theories. Scientific theories. हाँ जी. Lebensraum. Lebensraum. Lebensraum का मतलब simple याद करो. Living space. इसका मतलब क्या है? Hitler wanted living space for his race. So that's why he attacked many countries like Poland. He reoccupied Rhineland. Attacked on Russia. He wanted to grab territories for his own race. Very good. हाँ जी और. Torture on Jewish. Torture on Jewish. Yes. Use of press and media. Use of control on press and media. Anji. Very good. Thik Nazi hai? Policy for creating hatred for Anji. Jews among Germans. Germans. ठीक है. तो ये सारी उसकी ideology. Very good, Jia. Next is why Nazi propaganda was affected in creating a hatred for Jews. ये भी I have discussed कि किस तरह से Nazi party ने Hitler ने Germany के लोगों के मन में जूश के लिए हेट जो है वो ऐसे हेट स्प्रेड की कि सिर्फ हिटलर ही नहीं नाजी पार्टी ही नहीं बल्कि नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस के लोग भी जूश को गलत मानने लगे. क्या क्या उसने उनके बारे में स्प्रेड किया, क्या क्या बताया कि वो क्या हैं, किस तरह से जर्मनी के लोग भी जूश लोगों से हेट करना शुरू हो गए. जब आप बच्चों के मन में डाल देते हो, बड़ों के मन में डालते हो ना कि हाँ जी वो लोग गलत हैं तो लोग भी उस चीज को विश्वास करना शुरू हो जाते हैं. आज अगर आप न्यूज में कुछ भी सुनते हो, टेलीविजन में कुछ भी जो है वो देखते हो, न्यूज में पढ़ते हो कुछ भी, तो आप उसी को ही बिलीव करते हो. तो बार बार आपको जो चीज दिखाई जाएगी ना, आपको वही न्यूज हर चैनल पे दिखाई जाएगी, तो आप वही बिलीव करो. तो हिटलर ने भी उस टाइम पीरियड में ऐसा ही किया. उसने जर्मनी के नॉर्डिक जर्मन आर्यन लोगों के माइंड में जूश के लिए इस तरह की इमेजेस बना दी कि सच में लोग उनसे हेट करते थे. तो प्लीज टेल मी द पॉइंट्स I have discussed in detail. Yes, Dharya, Hanji. Yes, ma'am. Ma'am, first point, racial race. Racial base. उसने racial base बनाया. Racial base कैसे बनाया उसने? Yes, ma'am. उसने Nordic German Aryan race. Ma'am. बाकियों को lower. Yes, ma'am. And declared Jews as killer of Jesus Christ. उनको क्या बना दिया? Surers.
सीयरर्स कौन होते हैं, मनी माइंडेड किलर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट. उसने जर्मनी में ये लोगों को कहा कि वो किलर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट हैं, क्रूसिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, मनी के लिए कुछ भी कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट यू कैन से गुड फॉर सोसाइटी. दे वर कंसिडर्ड एज अनडिजायरेबल एंड प्रॉब्लम. और उस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सोल्यूशन क्या है, टोटल एलिमिनेशन. ठीक है. और हाँ जी बच्चे, और डार्विन एंड स्पेंसर थ्योरी. वेरी गुड. हाँ ठीक है, उसने डार्विन और स्पेंसर की थ्योरीज को अपनी थ्योरी का पार्ट बना लिया. डार्विन स्पेंसर ने कहा था दैट नेचुरल सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शुड बी देयर, लेकिन इसने ह्यूमंस के ऊपर उसको अप्लाई कर दिया कि जो वर्ल्ड में जो हेल्थी है, फिट है, या नॉर्थिक जर्मन आर्यन रेस है, सिर्फ उसी को ही जीने का राइट है. बाकी जो भी, अगर वो हेल्दी नहीं है, वो फिट नहीं है, अगर वो ज्यूइश है या किसी और कम्युनिटी से जिससे वो हेट करता था, अगर वो है तो उसको जीने का राइट नहीं है. और उसके लिए उसने क्या बनाया, नाजी किलिंग ऑपरेशंस. ठीक है. हाँ जी वेरी गुड. आगे और एजुकेशन पॉलिसी. उसने स्कूल्स में सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले तो उसने ज्यूइश बच्चों और ज्यूइश टीचर्स को अलग कर दिया, अलग किया, फिर उनको डिसमिस कर दिया, टीचर्स को डिसमिस कर दिया, बच्चों को निकाल दिया, स्कूल्स को प्योर कर दिया. फिर उसने नेक्स्ट स्टेप क्या किया, एजुकेशन सिस्टम चेंज कर दी, टेक्स्ट बुक चेंज कर दी, रेशियल साइंस सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, वॉर रिलेटेड पॉलिसीज बच्चों को पढ़ाई गई ताकि लोग वॉर से डरे नहीं, वॉर को फेस करें, क्योंकि उसको बच्चे नहीं सोल्जर चाहिए थे अपनी कंट्री के लिए. मिलिट्री ट्रेनिंग कंपल्सरी कर दी बच्चों के लिए, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बना दी. 14 ईयर्स तक यंग वॉक, 14 से 80 हिटलर यूथ, और 18 के बाद लेबर सर्विस ज्वाइन करना कंपल्सरी कर दिया यूथ के लिए. यूथ को हर चीज के लिए एग्रेसिव होना, उनको बॉक्सिंग कंपल्सरी कर दी ताकि बच्चे जो हैं वो शुरू से ही ज्यूइश के बारे में नफरत करें, अलग रहें, उनके साथ मिले जुले ना, और अपने आप को बेस्ट कंसिडर करें और बाकियों को वर्स्ट. मतलब जो हिटलर उनके साथ ट्रीट करता था ना, वो चाहता था कि लोग भी उनके साथ वैसा ही ट्रीट करें. ठीक है. और इसलिए उसने क्या किया, बच्चों को अलग ही कर दिया, स्कूल्स को अलग कर दिया ताकि उनको ज्यूइश टीचर्स ना पढ़ाएं, क्योंकि ज्यूइश टीचर्स पढ़ाएंगे तो वो उनको अपने बारे में बताएंगे. पर इसके लिए उसने क्या कर दिया, उनको अलग से घेटोज में भेज दिया. घेटोज का मतलब क्या होता है, सेपरेट मार्क एरियाज फॉर दीज पीपल वेयर फैसिलिटीज वर नॉट गिवन एंड दे लिव्ड वेरी यू कैन से इन अनहाइजेनिक कंडीशंस. फूड वाज नॉट गिवन, वाटर वाज नॉट गिवन. तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि उनको इस हद तक मजबूर कर दिया कि वो लोग जो हैं या तो वो खुद सुसाइड कर लेते थे, या फिर अगर अपनी फैमिलीज के बारे में सोचते थे तो हिटलर जो था उनसे लेबर कैंप में भेजना उनको, या फिर बाद में डेथ फैक्ट्रीज में भेजना. तो इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं, अगर आप उस टाइम के बारे में पढ़ोगे ना, तो आपको इस तरह की स्टोरीज जो हैं उनके बारे में मिलेंगे. ठीक है. एनी अदर आइडिया, एनी अदर पॉइंट? यस मैम, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर नाजी वुमेन. वुमेन, आप ये देखो कि वुमेन के बारे में पहले तो वो अच्छा सोचता था कि वुमेन शुड बी गिवन इक्वालिटी, बट ओनली फॉर नॉर्थिक जर्मन. एंड ही कंपेल्ड ऑल द वुमेन मदर्स to purify their race by not to keep any kind of relations with other communities, and code of conduct if they will disobey then punishments were given to them. So Nordic German Aryan race jo thi, jo girls thi, women thi, to strictly unko permitted nahi tha ki wo gharon se bahar nikle aur kisi bhi tarah se kisi aur community ke sath jo hai wo mel jol rahe. Theek hai. Any other point? Use of press and media against Jews. Press and media, press और media का तो उसने बहुत ज़्यादा use किया. उसने press में, media, newspaper, posters, films और Jewish की wrong images, उनका मजाक, उनके caricatures, cartoons, ताकि बच्चे Jewish को देखकर ना नफरत करें, मजाक उड़ाएं, cartoons बनाए उनकी, ताकि बच्चे जो हैं शुरू से ही उनके मन में उनकी wrong image. Then movies में उनको negative images दिखाई गई. और ये एक ऐसा time था कि जो Jewish लोग थे ना वो बहुत ज्यादा जो है उनको एक्सप्लॉइट किया गया, ये वो टाइम था. ठीक है बेटा, थैंक यू. नेक्स्ट इज, नाउ यू हैव टू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन वुमेन ऑफ फ्रेंच एंड नाजी. तो आपने दोनों चैप्टर पढ़े हैं ना, फ्रेंच एंड नाजी वुमेन में डिफरेंस, एनी टू डिफरेंस, व्हाट वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्रेंच वुमेन एंड नाजी वुमेन. आपने पूरे दोनों चैप्टर्स पढ़े हैं, तो जस्ट मे टेल मी द कंडीशन ऑफ फ्रेंच women and Nazi women. आपने ये बताना है, code of conduct was not followed in French for French, but it kind of it was a kind of rules and regulations that was specially made for women. Now French society में
ऐसा सिस्टम नहीं था, वहां पे सिर्फ स्टेट सिस्टम था ना, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, लेकिन नाजी सोसाइटी को रेस में डिवाइड किया गया था. सो वुमेन दे वर फेसिंग रेशियल चैलेंजेस आल्सो. नाजी सोसाइटी में वुमेन को कंपेल किया गया टू गिव बर्थ मोर टू बॉयज, तो बॉयज के बर्थ यानी कि द वुमेन हैविंग मोर बॉयज दे वर अवॉर्डेड, बिकॉज हिटलर के जो है वो बॉर्डर एरियाज में या सोल्जर्स जो हैं उनको वो नंबर ऑफ सोल्जर इंक्रीज करना चाहता था, दैट्स व्हाई ही प्रेफर्ड मेल एज कंपेयर टू फीमेल. ठीक है, तो ये जस्ट सोसाइटी के बारे में है ना. नेक्स्ट इज हाउ हिटलर पुट टोटल कंट्रोल इन जर्मनी. हाउ हिटलर पुट टोटल कंट्रोल इन जर्मनी. रिकॉर्डिंग. हाउ हिटलर पुट टोटल कंट्रोल इन जर्मनी. ये अभी डिस्कस किया मैंने सारे पॉइंट्स. सारा आपने बताना है कि हिटलर और नाजी पार्टी ने जर्मनी के लोगों के ऊपर इसमें कंट्रोल ओवर पीपल. यहाँ पे पीपल पता कौन है, यहाँ पे है जूश स्पेशली, कि लोगों के ऊपर कैसे कंट्रोल किया. एस्टेब्लिश टोटल कंट्रोल. हाँ जी जी आ जानवी. यस प्लीज कीप योर माइक ऑन, रेज योर हैंड. हाँ जी यस बेटा. मैम फायर डेक्री. हाँ जी फर्स्ट मैम फायर डेक्री और एनेबलिंग. वेरी गुड. यस नंबर वन, सबसे पहले से कंट्रोल कैसे किया, पॉलिटिक्स ज्वाइन की, और पॉलिटिक्स ज्वाइन करते ही उसने सबसे पहले फायर डेक्री एंड एनेबलिंग एक्ट ही पास्ड. फायर डेक्री एंड एनेबलिंग एक्ट. फायर डेक्री एंड एनेबलिंग एक्ट. सेकंड अंजी रेशियल स्टेट. वेरी गुड रेशियल स्टेट. देन ही कन्वर्टेड द जर्मनी इनटू रेशियल स्टेट. People they had to pass many kind of racial test. लोगों को racial test pass करने पड़ते थे, physically fit रखना पड़ता था अपने आप को. जो लोग physical fit नहीं थे, disease होती थी उनको, या handicap थे या challenge. Even उसकी अपनी race में भी अगर जो लोग mentally disorder या किसी भी तरह से problem होती थी ना, तो they were given punishment. Punishment क्या? They were put into concentration camps, death factories. They were eliminated from the societies because according to him they were the burden on the society. उनको ये लगता था कि ये एक तरह से burden है, लेकिन कितनी गलत सोच थी ना उसकी, है ना. हाँ जी आगे next. Control on education and schooling. हाँ school education मैंने अभी discuss किया आपके साथ, school education को कैसे उसने control किया. हाँ जी और Nazi cult of motherhood. Motherhood को कैसे control किया. विमेन के बारे में वो क्या सोचता था, गर्ल्स को क्या होना चाहिए, गर्ल्स को सबमिसिव होना चाहिए, बॉयज को अग्रेसिव होना चाहिए, बॉयज को गेम्स खेलनी चाहिए बॉक्सिंग वगैरह, गर्ल्स को अपनी रेस को प्योर करना है तो इसलिए उसको घर के अंदर रहना चाहिए. उनको वर्क या राइट टू वर्क नहीं दिया गया, राइट टू वोट नहीं दिया गया, पॉलिटिक्स तो बिल्कुल ही नहीं. आपने पूरे चैप्टर में कहीं भी वुमेन का नाम नहीं सुना होगा जो पॉलिटिक्स में हुई, सुना है. तो यही शो करता है कि इस टाइम पीरियड में वुमेन वर नॉट गिवन राइट टू वोट and right to equality. Any other control? Hanji? Control on press. Control on press. Control on media. Press or media ko kaise control kiya? Posters, films, theek hai? And by mocking the, you can say, communities of different kind of racial, like Jewish, Polish, Russian. Kaun si communities ko wo hate karta tha? Gypsies, Jewish, Democrats, jo Russians, जो रशिया से आते हैं. ठीक है. हाँ जी एनी अदर. स्टेप्स टू डेथ. तो ये सारा कंट्रोल मैंने आपको बताया. ठीक है. सो यू हैव योर बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, यू विल राइट दीज एंड सेंड योर नोटबुक्स. ठीक है. एनी अदर डाउट.